नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस अहम मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक ठोक दिया। रोहित ने अपने शतकीय पारी के दौरान 2 छक्के भी जमाए। इसी के साथ हिटमैन ने एक कमाल का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत में खेलते हुए 200 छक्के जमाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। अपने घर पर यानी भारत में टेस्ट खेलते हुए हिटमैन ने अब तक 36 छक्के जमाए हैं। वहीं वनडे में उनके नाम भारत में 115 छक्के दर्ज हैं। वहीं T20 इंटरनेशनल में रोहित ने अब तक 49 छक्के ठोके हैं। इस तरीके से भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित के 200 छक्के पूरे हो गए और वो ऐसा करने वाले भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर धोनी हैं। धोनी ने भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट में 175 छक्के ठोके थे। कोहली के नाम इस मामले में 110 छक्के दर्ज हैं। रोहित शर्मा दुनिया के केवल दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक ठोका है। रोहित शर्मा के अलावा ऐसा कारनामा क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ किया है। हिटमैन रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 40वां शतक है। रोहित ने ऐसा कर मोहम्मद यूसुफ और तिलक रत्ने दिलशान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। मोहम्मद यूसुफ और तिलक रत्ने दिलशान ने अपने इंटरनेशनल करियर में 39-39 शतक जमाए हैं। रोहित ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप में यह 4था शतक लगाया है। वो स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स और बाबर आजम की बराबरी भी कर डाली है। हालांकि आपको बता दें, ICC टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 5 शतक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मानस लाबुशेन ने लगाए हैं। आपको बता दें, इस अहम मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और शुभमन गिल बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद रोहित ने पुजारा के साथ एक छोटी पार्टनरशिप की, लेकिन जल्द ही चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली का विकेट निकालकर इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा के बीच शानदार साझेदारी हुई। दोनों ने 53 ओवर के खेल के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 187 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी हो चली थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।